श्याम भक्तों, जब भी बाबा श्याम स्वप्न में दर्शन देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी एक चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को सपने में देखना, यानी अगर बाबा श्याम आपके सपने में दर्शन देते हैं तो सपने में दर्शन देने का एक अलग महत्व होता है। बहुत सारे लोग इसे एक सपना समझकर अनदेखा कर देते हैं कि सपना ही तो देखा था, इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है, ऐसे सपने तो हम हर रोज़ देखते हैं। श्याम भक्तों, आप भाग्यशाली हैं क्योंकि श्याम बाबा हर किसी के सपने में दर्शन नहीं देखते। बुरे सपने तो हर कोई देखता है, यानी जितने भी बुरे सपने हैं आपके दिमाग में आते होंगे, परंतु बाबा श्याम क्या आपके सपने में आज तक आए हैं? अगर आए हैं तो बाबा श्याम उस सपने से आपको क्या संकेत दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम अगर आपके सपने में आते हैं और ऐसा आपको दिखता है कि आप खाटू धाम में हैं और वहाँ जाकर आप बाबा श्याम को देख रहे हैं, बाबा श्याम की जो शीश है उसकी नज़रें आपके ऊपर पड़ रही हैं, यानी आप आगे बढ़ रहे हो तो बाबा श्याम आपको निहार रहे हैं, आपको देख रहे हैं, या आपको वो शीश हिलते डुलते नज़र आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि बाबा श्याम की अति कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो अति कृपा बनी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार से घमंड हो जाना चाहिए, अब आप सोचने लग जाए कि मेरे पास तो बाबा श्याम की अति कृपा है। अगर बाबा श्याम की कृपा है तो उस कृपा को संभाल कर यानी बनाए रखने की ज़रूरत है। तो श्याम भक्तों, हमें ऐसा क्या करना चाहिए? क्या हमें पूजा पाठ और तेज कर देना चाहिए, या हमें ऐसा काम कर देना चाहिए जिससे बाबा श्याम हम पर प्रसन्न हो जाएं? तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम जब आपको ऐसे दर्शन दे तो समझ लीजिए आपको बाबा श्याम याद कर रहे हैं, यानी खाटू धाम बुलाना चाह रहे हैं। आपको बाबा श्याम के दरबार एक बार ज़रूर जाना चाहिए। जब बाबा श्याम के सपने में दर्शन होने लग जाए तो समझ लीजिए बाबा श्याम जो हैं आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बना के रखे हैं, और वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आपको कोई रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, मार्ग दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको खाटू आने का आमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि आपने जो सपने में देखा था वो तो सपना देख सुबह टूट गया, और उसके बाद आप वो सोच सोच कर खुश होंगे अंदर से कि हमने बाबा श्याम को देखा। तो बाबा श्याम को देखना अपने आप में एक बड़ी बात है श्याम भक्तों। तो सपने में अगर खाटू धाम में बाबा का शीश हिलता डुलता नज़र आए, या बाबा श्याम का शीश बोलता हुआ नज़र आए, तो समझ लीजिए आपको खाटू धाम ज़रूर जाना चाहिए, और बाबा श्याम के लिए अपने घर से बना हुआ भोग लेकर जाना चाहिए। जो भोग आपने पहले अर्पण किया था उस भोग को तो आप बाबा श्याम ने स्वीकार किया था, इसलिए बाबा श्याम ने दोबारा आपको सपना दिया है और आपको ये कहा है कि आप बाबा श्याम के लिए वो भोग किसी भी प्रकार से लेकर आ जाएं। तो श्याम भक्तों, ऐसे सपने का संकेत है जब आपको बाबा श्याम इस तरह से सपने में दर्शन दे। हालांकि श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं कि बाबा श्याम का जो शीश खाटू धाम में रखा हुआ है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण से वरदान मिला हुआ है, यानी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृत पान करा रखा है, यानी कि जो बाबा श्याम का जो शीश है वो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, और वास्तव में वहाँ पर विराजमान होकर वो अपने सभी भक्तों पर नज़र रखते हैं, यानी उन्हें देखते हैं, और सुनते उसी की है जो सरल और सहज मन के होते हैं, यानी कि जिनके दिल के अंदर छल कपट नहीं है, यानी कि जो दूसरों की सिर्फ सुन के दरबार में आ गए हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इनके दर्शन करने मात्र से, यानी इनसे अर्जी लगाने मात्र से ये तुरंत सुन लेते हैं, यानी ये हारे के सहारे हैं, तो ये बात तो सही है, परंतु श्याम भक्तों एक बात ध्यान रखना, सुनते उसी की है जो सरल और सहज स्वभाव के होते हैं, उनकी परीक्षा भी लेते हैं, और उनकी जब परीक्षा वो लेते हैं तो उस परीक्षा में उन्हें सफल भी होना पड़ता है, तभी वो बाबा श्याम उनके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होंगे जो जानते होंगे जिनके काम बन रहे हैं, और परंतु ऐसे श्याम भक्त होंगे जिनके काम अभी तक नहीं बने हैं, वो बाबा श्याम से अर्जी लगा चुके हैं, बाबा श्याम से अरदास लगा चुके हैं, परंतु अगर आपके काम आज तक नहीं बने हैं तो समझ लीजिए अभी तक आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी ऐसी रह गई है जिसके कारण से बाबा श्याम ने आपकी बिगड़ी नहीं बनाई है। यानी आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बाबा श्याम आपकी
बिगड़ी बना दे, यानी आपके अंदर ऐसी क्या कमी है जिससे बाबा श्याम आपकी अभी तक नहीं सुन रहे हैं। श्याम भक्तों, कहाँ पे सुधार करना है, क्या करना है, ये ज़रूर आपको सोचना चाहिए। और जिस दिन अगर आपने उस चीज़ को सुधार लिया, यानी अपने आप में कमी आपने ढूंढ ली कि आपके अंदर कौन सी कमी है, क्योंकि किसी भी इंसान को अपने अंदर कमी महसूस नहीं होती है। कमी कौन बताता है? तो बाहर वाला बताता है। और जब बाहर वाला बताता है तो हमें गुस्सा आती है, क्योंकि वो हमारी कमियाँ बता रहा है। परंतु कभी कभी उन कमियों को गिन लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि वो अगर हमसे घमंडी बोल रहा है तो शायद हो सकता है हमारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड की भावना पनप रही हो, इसलिए शायद उसने हमें घमंडी बोला। यानी अगर उसने हमें लालची बोला तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी भावना होगी, यानी हमारे अंदर कमियां होंगी जिससे हमें उसने लालची बोला। यानी अगर इस तरह के शब्दों से कोई हमें संबोधित कर रहा है या हमसे कुछ कह रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा जिसके कारण से वो सामने वाला आपसे ऐसी बातें कर रहा है। तो उन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और उस बातों पर अमल करना चाहिए, और आपको हमेशा इस बातों को सोचकर काम करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, हमारी जो कमियां होती है वो सामने वाला ही बताता है, परंतु ये सोच के रखिएगा कि कहीं ना कहीं बाबा श्याम ने उसको ऐसी बुद्धि दी है जिससे वो आपकी कमियों को बता रहा है। यानी कि उसको आप एक सकारात्मक भाव से लेंगे, यानी अपने आप को आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे। ऐसा ना सोचे कि उसने हमारी कमियाँ बता दी तो उससे आप लड़ने लग जाए। यानी कि अगर आप उससे लड़ने लग जाते हैं तो सोच लीजिए आपके अंदर वो कमियाँ अभी तक बनी हुई है, यानी दूर नहीं हुई। परंतु श्याम भक्तों, ऐसे में कोई आपके समक्ष की तारीफ करता है या आपको उठाने की कोशिश करता है तो ध्यान रहे श्याम भक्तों, ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि कोई हमारे सामने हमारी जब ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा कर देता है तो समझ लीजिए वो हमसे कुछ ना कुछ चाहता है। यानी आजकल प्रशंसा तो या तो अपने करते हैं, यानी जो हमसे कोई काम चाहते हैं, यानी हमसे कोई अपना काम बनवाना चाहते हैं वो प्रशंसा करते हैं। यानी कि श्याम भक्तों, दोनों कंडीशन में आपको सोचना होगा। यानी कि अगर कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है तो भी आपको सकारात्मक रहना है, यानी हमारे बारे में कोई अच्छा बोल रहा है तो भी आपको सकारात्मक रहना है। परंतु जब सकारात्मक आपको रहना है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई अच्छा बोल रहा है तो हम उस चीज़ को अपने अंदर पाल लें और हम घमंड दिखाने लग जाएं। तो श्याम भक्तों, इन विशेष बातों को ध्यान रखना है, तभी आपको बाबा श्याम मिलेंगे और आप बाबा श्याम की परीक्षा में सफल होंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम अगर आपको इस तरह से नजर आए, बाबा श्याम बात करते नजर आए, तो समझ लीजिए खाटू धाम का बुलावा है। आपको जल्द से जल्द बाबा के दरबार में जाकर हाजिरी लगानी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब है या हमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी चिंता ना करें। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता या कुछ दिक्कत आ जाती, नहीं तो क्या आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? कहीं ना कहीं से तो कैसे ना कैसे करके प्रबंध करते ही। परंतु जब बाबा श्याम ने आपको स्वप्न दिया है, बाबा श्याम आपको याद कर रहे हैं, तो ज़रूर बाबा श्याम के दरबार में आपको एक बार जाकर हाजिरी लगानी चाहिए, उनके समक्ष प्रार्थना करना चाहिए, उनके समक्ष आराधना करना चाहिए, तो बाबा श्याम अति कृपा करते हैं श्याम भक्तों। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर सपने में बाबा श्याम की तस्वीर नजर आए, यानी आपके घर में कोई तस्वीर लगी है और ऐसा लग रहा है कि तस्वीर में बाबा श्याम के आप दर्शन कर रहे हैं, यानी तस्वीर के द्वारा दर्शन कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको अगर सपने में तस्वीर के द्वारा दर्शन हो रहे हैं, यानी श्याम बाबा आपको घोड़े के ऊपर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, यानी घोड़े के ऊपर बैठकर आपने देखा कि बाबा श्याम आ रहे हैं, तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपके पास आ चुके हैं और आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बनी हुई है। यानी आपको अपने आप को उस परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए, बाबा श्याम पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जब आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही होती है, जब आपकी कठिन परिस्थिति चल रही होती है, तो उस समय तक बाबा श्याम का हाथ पकड़े रहते हैं या बाबा श्याम के हाथ को बीच में छोड़ देते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, भगवान का साथ इंसान खुद छोड़ता है। जब वो अत्यधिक परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसकी तरफ चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, तब वो लास्ट ऐसी घड़ी होती है जब वो भगवान का हाथ खुद ब खुद छोड़ देता है, और उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। क्योंकि बाबा श्याम जहाँ उसके हाथ को थामने वाले होते हैं, तब तक वो अपना निर्णय ले चुका होता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम जब इस तरह से घोड़े पर चलते हुए नजर आए, तो समझ लीजिए बाबा श्याम की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है और बाबा श्याम आपके घर में ही विराजमान है। बाबा श्याम को आप प्रसन्न करने के लिए बाबा श्याम की जो पूजा अर्चना करते हैं, जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, उसी प्रकार से करें।
श्याम भक्तों, जब भी बाबा श्याम स्वप्न में दर्शन देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी एक चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपने अब पाठ दुगना कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आप हैं वैसे ही रहना है, जैसे अभी आप पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है। हालांकि भोग प्रसाद वगैरह जो भी आप बनाते हैं, तो जो भी नई चीज बनाते हैं, तो भगवान को जरूर अर्पण करें। तो श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम को भोग प्रसाद अर्पण कर रहे हैं तो बाबा श्याम पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। इस तरह से बाबा श्याम आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, आपके घर में तस्वीर वगैरह देखते हैं या आपको घोड़े पे नजर आते हैं बाबा श्याम, तो ये समझ लीजिएगा कि बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है। तो बाबा श्याम को भोग वगैरह तो आप लगाएंगे, साथ में आप ये कोशिश करिएगा अगर नजदीकी में कहीं फूल का बगीचा वगैरह है तो वहां से ताजे फूल आप लेकर आ सकते हैं और बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं, उनको सजा सकते हैं उन फूलों से, क्योंकि मार्केट वगैरह में तो फूल मिल ही जाती है, क्योंकि वो तो मार्केट में कब की आई है, कितने हाथों से लग के आई है, तो इस तरह से होता है। पर क्योंकि श्याम भक्त, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज थे, वो अपने हाथों से श्याम बगीचे में फूल लगाते थे, वो अपने हाथों से बाबा श्याम का श्रृंगार करते, यानी जो श्याम बगीचे में फूल उगाते थे उन्हीं में से ताजे फूल तोड़कर बाबा श्याम को श्रृंगार स्वरूप लगाते थे, यानी बाबा श्याम को सजाते थे। और जिस दिन उस श्याम बगीचे में फूल नहीं उगते थे तो वो कई किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ से फूल लेकर आते थे और उसके बाद बाबा श्याम का श्रृंगार वगैरह करते थे। तो आलू सिंह जी महाराज जो थे, बाबा श्याम को खुद श्रृंगार वगैरह कराते थे। तो इसीलिए श्याम भक्त, तो बाबा श्याम जब सपने में आए, बाबा श्याम आपको दर्शन दें, तो अपने आप को भाग्यशाली समझे। परंतु अगर बाबा श्याम की तस्वीर में आप क्रोध, यानी बाबा श्याम गुस्से वाली तस्वीर देखें या क्रोध वाली तस्वीर देखें, तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ त्रुटि की है, कुछ गलती की है। आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त थे, परंतु आपने बीच में ऐसा कुछ काम किया है जिससे बाबा श्याम की ऐसी तस्वीर आपको नजर आ रही है। और बाबा श्याम की जब ऐसी तस्वीर नजर आ जाए तो बाबा श्याम से क्षमा याचना करे, बाबा श्याम से क्षमा याचना करते हुए बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि बाबा श्याम जो भी त्रुटि हुई, गलती हुई, क्षमा करें, आप अपने क्रोध को शांत करें, हमें अपना बच्चा समझकर हमें क्षमा कर दें, हमसे जो भी भूल हुई उसको माफ करें। तो इस तरह से बाबा श्याम से हाथ जोड़कर, बाबा श्याम से कान पकड़कर, बाबा श्याम के समक्ष इस तरह से आपको प्रार्थना करना है, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करना है, और हो सके तो गरीबों की मदद करनी चाहिए आपको। अगर बाबा श्याम के गुस्से वाली तस्वीर देख लेते, हालांकि श्याम भक्तों अगर ऐसी तस्वीर ना देखें तब भी आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक संपन्न है, आपके पास रुपया पैसा है, परंतु कोई भूखा है, कोई प्राणी भूखा है, तो उसे आप खाना दे सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं, यानी कि वस्त्र वितरण कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप ये सब काम थोड़ा थोड़ा करके करने लगते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है, क्योंकि बाबा श्याम ने अगर आपको आर्थिक संपन्न बनाया है, इस काबिल बनाया है कि आप किसी दीन दुखियों की मदद कर सके, तो उनकी मदद ज़रूर करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इनकी मदद करते हैं तो भगवान की सेवा होती है। अगर किसी गरीब को वस्त्र दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम को वो वस्त्र अर्पण होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं श्याम भक्तों, बाबा श्याम को जो बाघा वगैरह अर्पण होता है वो भी श्याम भक्तों के द्वारा ही अर्पण किया जाता है। परंतु जो श्याम भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि बाबा श्याम को हमने 4,000-5,000 का जो भी बाघा अर्पण कराया है तो बड़े शान से बोलते हैं कि हमने ये बाघा अर्पण कराया है। तो वहीं पर अगर किसी को अगर 5-10 रुपए अगर देना हो, यानी जिसको ज़रूरत है, श्याम भक्तों जिसका पेशा है उसे नहीं देना है, जो मांगने वाले होते हैं, जो पेशेवर होते हैं उन्हें नहीं देना है, परंतु जो आर्थिक स्थिति जिनकी ख़राब है उनको आप खाद्य सामग्री वगैरह प्रोवाइड करके, यानी रुपए पैसे नहीं देना तो खाद्य सामग्री वगैरह प्रोवाइड करके उनकी थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो बाबा श्याम जो है इन बातों को देखते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आपके पास आर्थिक समस्या है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, किसी की मदद नहीं कर सक रहे हैं, तो आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आर्थिक संपन्न हो जाएं, जब आपको ऐसा लगे कि आप पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं, तब किसी दीन दुखियों की मदद आप उस समय कर सकते हैं, क्योंकि जब बाबा श्याम देते हैं तभी तो आप उसी हाथ से दूसरों की मदद करते हैं। श्याम भक्तों जो सुदामा थे, आप जानते थे कितने गरीब थे, परंतु उनके पास, उनके दर से कोई भी आता था तो कोई खाली हाथ नहीं जाता था, यानी कि अब वैसा टाइम नहीं है, अब कलयुग चल रहा है, अब तो हमारे घर के दर पे किस तरह के लोग आते हैं, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, परंतु हम जज नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। परंतु अगर हमारा मन उसको देखकर ऐसी गवाही करे, नहीं इसको ज़रूरत है, इसको नीड है, तो उस आदमी की ज़रूर हेल्प कर देनी चाहिए, अपनी
क्षमता के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपके पास थोड़े ही पैसे हैं और वही पैसे आप उसको दे दो और आपके पास ना बचें, तो ऐसी स्थिति भी नहीं लानी है। अपने आप को ध्यान में रखकर ये सारा काम करना चाहिए शम भक्तों। तो होपफुली शम भक्तों, बाबा श्याम अगर सपने में आए तो इन बातों को ध्यान में रखें, और अगर ऐसा लग रहा है कि बाबा श्याम आपके सपने में भी आए हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम।